पृथ्वी जो 4.5 बिलियन ईयर से भी ज्यादा पुराना है लेकिन अभी भी विकसित हो रहा है। आपने तो सुना ही होगा कि पृथ्वी में तीन भाग जल है और एक भाग स्थल है, और एक जगह ऐसी भी है जहां पर समुद्र की गहराई 11,034 मीटर है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, जहां पे समुद्र का चाप इतना अधिक होता है कि वो किसी लोहे को भी बेंड कर सकता है, वहां पर ऐसे ऐसे रहस्यमय प्राणियों को देखा गया है जिनका अस्तित्व इंसानों ने पहले कभी देखे नहीं थे। दोस्तों, पृथ्वी में निवास करने वाले हर जटिल जीवन की शुरुआत समुद्र से हुआ है, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम समुद्र दुनियाओं के एक अनोखे सफर में चलेंगे और समुद्र दुनियाओं को और भी करीब से जानेंगे। देखिए, एक साधारण इंसान की हाइट 1.5 मीटर होता है, उसी तरह एक हाथी की हाइट 3 मीटर होता है, और अगर बात करें एक 10 मंजिला बिल्डिंग की तो इसकी हाइट करीब 30 मीटर होता है। लेकिन जब हम समुद्र के 40 मीटर गहराई में पहुंचेंगे, यानी 10 मंजिला बिल्डिंग से और भी 10 मीटर गहराई में जब हम पहुंचेंगे, तब हम समुद्र के मैक्सिमम लेवल में चले आएंगे। यहां पर हम ज्यादातर स्कूबा डाइवर्स को देख पाएंगे। सी, कहने का मतलब हर स्कूबा डाइवर ज्यादातर इसी गहराई में स्कूबा डाइविंग करते हैं। लेकिन जब हम समुद्र के 60 मीटर गहराई में पहुंचेंगे, तब हम हत्याकारी व्हेल ऑर्का के दुनिया में चले आएंगे। ये एक दंतधारी व्हेल है जो समुद्री डॉल्फिन परिवारों से संबंधित है, जिसमें से ये सबसे बड़ा सदस्य है। लेकिन जब हम समुद्र के 73 मीटर गहराई में पहुंचेंगे, तब कुतुब मीनार या ताजमहल जैसे मुकबराओं की ऊंचाई भी यहाँ छोटी पड़ जाएगी। यहाँ पर हम ज़्यादातर व्हेल सार्क को देख पाएंगे, एक धीमी गति से चलने वाला सार्क जो सबसे बड़े ज्ञात विलुप्त होते मछलियों के प्रजाति हैं। पर अगर हम आरएमएस लुस्टेनिया जहाज तक पहुंचना चाहेंगे, जो सन 1915 के पहले वर्ल्ड वॉर में क्षतिग्रस्त होकर समुद्र में डूब गया था, तब हमें समुद्र के 93 मीटर गहराई में जाना होगा। पर जैसे ही हम समुद्र के 100 मीटर गहराई में पहुंचेंगे, तब समुद्र डीकॉम्प्रेशन श्रिंकिंग होना शुरू हो जाएगा, यानी हम यहाँ तैर नहीं सकते। पर इन भाई साहब ने समुद्र के 214 मीटर गहराइयों में स्विमिंग करते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। खैर, जब हम समुद्र के 200 मीटर गहराई में पहुंचेंगे, तब हम जायंट ऑर्फिस को देख पाएंगे। ये दुनिया के सबसे लंबे मछलियों में गिने जाते हैं। इनके आकार रिवन की तरह होता है और ये 8 मीटर यानी 26 फीट से अधिक लंबे होते हैं। एक विशाल ऑर्फिस के अधिकतम वजन 270 किलोग्राम होता है। चलिए चलते हैं समुद्र के 444 मीटर गहराइयों में। यहाँ पर अमेरिका के स्टेट एम्पायर बिल्डिंग की ऊंचाई भी छोटी पड़ जाएगी, और इस गहराइयों में हमें देखने के लिए मिल जाएगा जापनी स्पाइडर क्राब। स्पाइडर इसलिए क्योंकि इनके पैर बहुत ही लंबे होते हैं। पर जब हम समुद्र के 500 मीटर गहराई में पहुंचेंगे, तब हम दुनिया के सबसे विशाल प्राणी यानी हम ब्लू व्हेल के दुनिया में चले आएंगे। लेकिन जैसे ही हम समुद्र के 535 मीटर गहराई में पहुंचेंगे, तब हम एम्पायर पेंगुइन के इलाके में चले आएंगे। और भी नीचे जाने पर हम पहुंचेंगे समुद्र के 829 मीटर गहराइयों में, जहां पे दुबई के बुर्ज खलीफा की ऊंचाई भी छोटी पड़ जाएगी। लेकिन अगर हम समुद्र के 1000 मीटर गहराई में पहुंचेंगे, तब इसे हम कहेंगे द मिडनाइट जोन। इस स्तर को मिडनाइट जोन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसके बाद के गहराइयों में सूरज की किरणें पहुंच ही नहीं सकता, इसके बाद सिर्फ अंधकार ही दिखाई देता है। यहाँ पे खड़े होना आपके लिए इतना कठिनाई भरा होगा कि आपको लगेगा आप वेनिस ग्रह में खड़े हैं, जहाँ पे खड़े होने का मतलब मौत को गले लगाना। यहाँ पर हम ज़्यादातर जायंट स्क्वाइडों को देख पाएंगे, जो ज़्यादातर इसी गहराइयों में अपना शिकार ढूंढते हैं। और भी गहराइयों में जाने पर जब हम समुद्र के 1280 मीटर गहराइयों में पहुंचेंगे, तब हम लेदरबैक नाम के एक विशाल कछुए को देख पाएंगे, जो आकार में बहुत ही बड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही हम समुद्र के 2000 मीटर गहराई में पहुंचेंगे, तब हम एक अनोखे प्राणी को देख पाएंगे जिसका नाम है ब्लैक ड्रैगन फिश। इनके दांत काफ़ी लंबे लंबे होते हैं ताकि शिकार पकड़ में आने के बाद इनसे छूट ना पाए। और इनसे जुड़ी एक खास बात ये भी है कि ये अंधेरे में रोशनी के जरूरत के लिए ब्लू और रेड कलर के रोशनी पैदा कर सकते हैं। अमेजिंग है ना।
वैसे जब हम समुद्र के 3,800 मीटर गहराई में पहुंचेंगे, तब हम आरएमएस टाइटैनिक के टूटे हुए हिस्से को देख पाएंगे जो सन 1912 में अटलांटिक ओशन में एक हिमखंड से टकराकर डूब गया था। लेकिन जब हम समुद्र के 4,000 मीटर गहराई में पहुंचेंगे, तब हम इसे कहेंगे द अबिस जोन। दोस्तों, यहाँ पे पानी का प्रेशर सरफेस के तुलना में 380 गुना अधिक होता है। यहाँ पर हम एलियन जैसे दिखने वाले प्राणियों को देख पाएंगे, लाइक फ्रिंटूथ, हॉगफिश और डम्बो ऑक्टोपस, जो दुनिया के सबसे गहराइयों में जीवित रहने वाले ऑक्टोपस हैं। खैर, जब हम समुद्र के 4,970 मीटर गहराई में पहुंचेंगे, तब हम जल उष्मा को देख पाएंगे, यानी हाइड्रोथर्मल विंड्स, जो किसी गर्म झरने की तरह होता है। पर जब हम समुद्र के 6,000 मीटर गहराई में पहुंचेंगे, तब शुरू होगा हेडल जोन। फ्रेंड्स, यहाँ पर समुद्र का चाप सरफेस के तुलना में 1100 गुना अधिक होता है। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके ऊपर 50-60 बोइंग जम्बो जेट लाद दिया गया है। यहाँ पे किसी इंसान की मृत्यु होने में एक सेकेंड भी नहीं लगेगा। लेकिन जब हम समुद्र के 6,500 मीटर गहराई में पहुँचेंगे, तब हम एसएस रियो ग्रांडा को देख पाएंगे जो सन 1941 में साउथ अटलांटिक में डूब गया था। पर जैसे ही हम समुद्र के 8,850 मीटर गहराई में पहुंचेंगे, तब माउंट एवरेस्ट के ऊंचाई भी यहाँ छोटी पड़ जाएगी। फिर सोचिए हम कितने गहराइयों में आ चुके हैं। और भी नीचे जाने पर हम पहुंचेंगे समुद्र के 10,898 मीटर गहराइयों में। फिल्म निर्देशक जेम्स कैमरन साल 2012 में एक टियांगो केबिन में यहाँ तक आए थे। वे महासागर के सबसे गहरे हिस्से मारियाना ट्रेंच तक पहुँच गए थे। अब हम समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में जा रहे हैं, यानी 10,994 मीटर गहराई, जिसे कहते हैं द चैलेंजर डीप। पर इसे हम समुद्र का आखिरी गहराई नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समुद्र की गहराई इसके तुलना में और भी अधिक है। आज तक हम इंसानों ने समुद्र के बारे में सिर्फ 5% ही जान पाए हैं, जबकि 95% अभी भी रहस्य हैं। तो कैसा लगा आपको ये जर्नी, कमेंट में ज़रूर बताना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।